अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, 31 मार्च 2024 को होने वाले लॉगेट टेस्ट में अब जिस सब्जेक्ट के हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो है सिविल प्रोसीजर कोड। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि पूछा गया था सेक्शन 214 में से, और इसकी स्टेटमेंट है एज पर सेक्शन 214 ऑफ सीपीसी 1908 ऑर्डर मीन्स द डैश ऑफ एनी डिसीजन ऑफ सिविल कोर्ट विच इज नॉट अ डिक्री। और इसके ऑप्शन है ए फॉर्मल एक्सप्रेशन, बी फॉर्मल रूलिंग, सी ऑर्बिटर डिक्टा, डी रेशियो डिसेंडी। और इसका जो राइट आंसर है वो ए है फॉर्मल एक्सप्रेशन। सेकंड क्वेश्चन जो कि पूछा गया था सेक्शन 29 में से, और इसकी स्टेटमेंट है एज पर सेक्शन 29 ऑफ सीपीसी 1908 जजमेंट मींस द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अ डैश। और इसके ऑप्शन है ए डिक्री और ऑर्डर, बी डिसीजन, सी रूलिंग, डी सेंटेंस। इसका राइट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पूछा गया था सेक्शन 151 में से, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, अक्सर लॉगेट में आ जाता है। एज पर सेक्शन 151 ऑफ सीपीसी 1908 नथिंग इन दिस कोड शैल बी डीम्ड टू लिमिट और अदरवाइज अफेक्ट द इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट टू मेक सच ऑर्डर्स एज मे बी नेसेसरी फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस और टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द डैश। और इसके ऑप्शन है ए कोर्ट, बी इंक्वायरी, सी इन्वेस्टिगेशन, डी ट्रायल। और इसका जो राइट आंसर है वो ए है कोर्ट। अगला सवाल अगेन एक इंपॉर्टेंट सेक्शन में से है, और ये जो सेक्शन 75 है इसमें से भी एक आधा सवाल लाजमी आ जाता है हर दफा लॉगेट टेस्ट में। एज पर सेक्शन 75 बी ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908 सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड लिमिटेशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड द कोर्ट मे इशू अ डैश टू मेक अ लोकल इन्वेस्टिगेशन। और इसके ऑप्शन है ए कमीशन, बी नोटिस, सी समन, डी वारंट। और इसका जो राइट आंसर है वो ए है। अगला सवाल जो कि पूछा गया था सेक्शन 25 में से, और इसकी स्टेटमेंट है एज पर सेक्शन 25 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908 फॉरेन कोर्ट मीन्स अ कोर्ट सिचुएट बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान विच हैज़ नो अथॉरिटी इन पाकिस्तान एंड इट इज नॉट इस्टेब्लिश्ड और कंटिन्यूड बाय द डैश। और इसके ऑप्शन है ए फेडरल गवर्नमेंट, बी जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, डी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। इसका जो राइट आंसर है वो ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पूछा गया था सेक्शन 218 में से, और इसकी स्टेटमेंट है एज पर सेक्शन 218 ऑफ सीपीसी 1908 रूल्स मीन्स रूल्स एंड फॉर्म्स कंटेन्ड इन द डैश शेड्यूल और मेड अंडर सेक्शन 122 ऑफ सेक्शन 125। और इसके ऑप्शन है ए सेकेंड, बी फर्स्ट, सी थर्ड, डी फोर्थ। इसका जो राइट आंसर है वो बी है। सवाल जो कि सेक्शन 11 की एक्सप्लेनेशन नंबर 5 में से पूछा गया था, और इसकी स्टेटमेंट है एज पर एक्सप्लेनेशन नंबर 5 ऑफ सेक्शन 11 सिविल प्रोसीजर कोड 1908 एनी रिलीफ क्लेम्ड इन द प्लांट विच इज नॉट एक्सप्रेसली ग्रांटेड बाय द डिक्री शैल फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन 11 बी डीम्ड टू बी हैव बीन डैश। और इसके ऑप्शन है ए रिफ्यूज्ड, बी ग्रांटेड, सी नीदर ग्रांटेड और नॉर रिफ्यूज्ड, डी सेटल्ड। और इसका जो राइट आंसर है वो ए है। अभी तक मैंने आपके साथ जितने भी सवाल शेयर किए हैं वो मैंने किए हैं सेक्शन में से, और ये मैंने आपको इसलिए बताया है ताकि आप समझ सकें कि जो रेशियो होती है सेक्शन और ऑर्डर में से क्वेश्चन आने की वो क्या है, और आपने जो अपना फोकस रखना है वो ज़्यादा किस पे रखना है। अब हम जितने भी क्वेश्चन देखेंगे वो देखेंगे ऑर्डर में से, और ऑर्डर में से पहला क्वेश्चन जो कि पूछा गया था ऑर्डर 7 रूल 1G में से, और इसकी स्टेटमेंट है एज़ पर ऑर्डर 7 रूल 1G ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908 द प्लान शैल कंटेन द डैश विच द प्लेंटिफ क्लेम्स। और इसके ऑप्शन है ए नॉमेनक्लेचर ऑफ कोर्ट फॉर्म, बी प्लीडिंग, सी प्रॉपर्टी, डी रिलीफ। और इसका जो राइट आंसर है वो डी है रिलीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पूछा गया था ऑर्डर 1 रूल 2 में से, और इसकी स्टेटमेंट है एज पर ऑर्डर 1 रूल 2 ऑफ सीपीसी 1908 वेयर इट अपीयर्स टू द कोर्ट दैट एनी जॉइंटर ऑफ डैश मे एम्बैरस और डिले द ट्रायल ऑफ द सूट द कोर्ट मे पुट द प्लेंटिफ्स टू देयर इलेक्शन और ऑर्डर सेपरेट ट्रायल और मेक सच अदर ऑर्डर्स एज मे बी एक्सपीडियंट। और इसके जो ऑप्शन है ए प्लेंटिफ्स, बी चार्जेस, सी डिफेंडेंट्स, डी पार्टीज। और इसका जो राइट आंसर है वो ए है प्लेंटिफ्स। अगला सवाल जो कि पूछा गया था ऑर्डर नंबर 41 में से और रूल 29 में से, और इसकी स्टेटमेंट है एज पर ऑर्डर 41 रूल 29 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 वेयर एडिशनल एविडेंस इज डायरेक्टेड और अलाउड टू बी टेकन द डैश कोर्ट शैल स्पेसिफाई द पॉइंट्स
टू विच द एविडेंस टू बी कन्फाइंड एंड रिकॉर्डेड ऑन इट्स प्रोसीडिंग द पॉइंट सो स्पेसिफाइड। और इसके ऑप्शन है ए अपीलेट, बी फेडरल शरीयत, सी सुप्रीम, डी ट्रायल। और इसका जो राइट आंसर है वो ए है। अगला सवाल जो कि पूछा गया था ऑर्डर 43 रूल 1 में से, और इसकी स्टेटमेंट है एज पर ऑर्डर 43 रूल 1 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 एन अपील शैल लाई फ्रॉम द फॉलोइंग ऑर्डर्स एंड ऑर्डर अंडर रूल 10 ऑफ ऑर्डर 8 डैश अंडर दी प्रोविजन ऑफ सेक्शन 104। और इसके ऑप्शन है ए प्रोनाउंसिंग जजमेंट अगेंस्ट अ पार्टी, बी फॉर द अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, सी फॉर द कन्फिस्केशन ऑफ द प्रॉपर्टी, डी रिटर्निंग ऑफ द प्लांट। और इसका जो राइट आंसर है वो ए है। अगला सवाल जो कि पूछा गया था ऑर्डर 8 रूल 63 में से, और इसकी स्टेटमेंट है एज पर ऑर्डर 8 रूल 63 सिविल प्रोसीजर कोड 1908 द रूल्स रिलेटिंग टू अ रिटन स्टेटमेंट बाय डिफेंडेंट अप्लाई टू अ रिटन स्टेटमेंट इन आंसर टू क्लेम ऑफ डैश। इसके ऑप्शन है ए डैमेजेस, बी सेटअप, सी इंजंक्शंस, डी स्पेसिफिक रिलीफ। और इसका जो राइट आंसर है वो बी है। अगला सवाल जो कि पूछा गया था ऑर्डर 7 में से और रूल 8 में से, इसकी स्टेटमेंट है एज पर ऑर्डर 7 रूल 8 सिविल प्रोसीजर कोड 1908 वेयर द डैश सीक्स रिलीफ इन रिस्पेक्ट ऑफ सेवरल डिस्टिंक्ट क्लेम्स और कॉज ऑफ एक्शन फाउंडेड अपॉन सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट ग्राउंड्स दे शैल बी स्टेटेड एज फॉर एज मे बी सेपरेटली और डिस्टिंक्टली। और इसके जो ऑप्शन है ए डिफेंडेंट, बी अकॉम्प्लिस, सी प्लेंटिफ, डी पार्टीज। और इसका जो राइट आंसर है वो सी है। अगला सवाल जो कि पूछा गया था ऑर्डर 39 रूल 5 में से, और इसकी स्टेटमेंट है एज पर ऑर्डर 39 रूल 5 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908 डैट शैल डायरेक्ट टू अ कॉर्पोरेशन इज बाइंडिंग नॉट ओनली ऑन द कॉर्पोरेशन इटसेल्फ बट ऑल्सो ऑन ऑल मेंबर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ द कॉर्पोरेशन हूज पर्सनल एक्शन इट सीक्स टू रिस्ट्रेन। और इसके ऑप्शन है ए एन इंजंक्शन, बी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सी ऑर्डर्स, डी रूल्स डिटरमिंड बाय बोर्ड। और इसका जो राइट आंसर है वो ए है। अगला सवाल जो कि अगेन पूछा गया था ऑर्डर नंबर 39 रूल 82 में से, और इसकी स्टेटमेंट है एज पर ऑर्डर 39 रूल 82 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908 एंड एप्लीकेशन बाय द डिफेंडेंट फॉर अ लाइक ऑर्डर मे बी मेड आफ्टर नोटिस टू द प्लेंटिफ एट एनी टाइम आफ्टर। इस सवाल के ऑप्शन है ए अपीयरेंस, बी फिलिंग द ऑब्जेक्शन, सी फिक्सिंग डे फॉर हियरिंग, डी इंजंक्शन ऑफ द सूट। और इसका जो राइट आंसर है वो ए है। सवाल जो कि ऑर्डर 41 रूल 32 में से पूछा गया था और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत दफा रिपीट हो चुका है। और इसकी स्टेटमेंट है एज पर ऑर्डर 41 रूल 32 सिविल प्रोसीजर कोड 1908 वेयर द कोर्ट रिजेक्ट्स एनी डैश इट शैल रिकॉर्ड द रीजन फॉर सच रिजेक्शन। और इसके ऑप्शन है ए मेमोरेंडम, बी अपील, सी क्लेम, डी प्लेंट। और इसका जो राइट आंसर है वो ए है। अगला सवाल जो कि पूछा गया था ऑर्डर 6 रूल 16 में से, और इसकी स्टेटमेंट है एज पर ऑर्डर 6 रूल 16 ऑफ सीपीसी 1908 द कोर्ट मे एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग ऑर्डर टू बी स्ट्रक आउट और अमेंड एनी मैटर इन एनी pleading which may be dash or which may be tend to be prejudice, embarrass or delay the fair trial। और इसके ऑप्शन है ए unnecessary or scandalous, बी immoral or indecent, सी offensive or appealing, डी अनइम्पॉर्टेंट और ट्रिवल। इस सवाल का राइट आंसर ए है। अगला सवाल जो कि पूछा गया था ऑर्डर 6 रूल 7 में से, और इसकी स्टेटमेंट है एज पर ऑर्डर 6 रूल 7 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908 नो प्लीडिंग शैल एक्सेप्ट बाय वे ऑफ द अमेंडमेंट रेज एनी न्यू ग्राउंड ऑफ क्लेम और कंटेन एनी डैश इनकंसिस्टेंट विद द प्रीवियस प्लीडिंग्स ऑफ द पार्टी प्लीडिंग द सेम। इस सवाल के ऑप्शन है ए एलिगेशन ऑफ फैक्ट, बी फैक्ट नॉट इन इश्यू, सी फ्रिवियस फैक्ट, डी न्यू सेट ऑफ फैक्ट्स। का जो राइट आंसर है वो है ए। अगला सवाल जो कि पूछा गया था सेक्शन 16F में से, और इसकी स्टेटमेंट है एज पर सेक्शन 16F ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908 सब्जेक्ट टू द पिक्यूनरी और अदर लिमिटेशंस प्रिस्क्राइब्ड बाय एनी लॉ सूट फॉर द रिकवरी ऑफ डैश प्रॉपर्टी एक्चुअली अंडर डिस्ट्रेंट और अटैचमेंट shall be instituted in the court within the local limits of whose jurisdiction the property is situated। इस सवाल की ऑप्शन है ए इमूवेबल, बी लीज्ड, सी मॉर्गेज, डी मूवेबल। और इसका जो राइट आंसर है वो डी है, मूवेबल। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो कि पूछा गया था ऑर्डर नंबर 41 रूल 36 में से, और इसकी स्टेटमेंट है एज पर ऑर्डर 41 रूल 36 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908 डैश कॉपीज ऑफ द जजमेंट एंड डिक्री इन अपील शैल बी फर्निश्ड टू द parties on application to the appellate court and at their expense। और इस सवाल के ऑप्शन है ए सर्टिफाइड, बी ड्यूली स्टैम्प्ड,
सी फोटो, डी ट्रू, और इसका जो राइट आंसर है वो ए है। ये थे सिविल प्रोसीजर के ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन जो कि इस दफा लॉगेट टेस्ट में पूछे गए थे। क्वेश्चन को करते हुए आपने एक चीज को नोटिस किया होगा, वो ये कि 20 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन में से 12 से 13 जो सवाल आते हैं वो ऑर्डर में से हैं और बाकी जो सवाल आते हैं वो सेक्शन में से हैं। इट्स मीन कि जो ऑर्डर का पोर्शन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सेक्शन का पोर्शन है उसमें से बहुत आसान सवाल पूछे गए हैं जो कि नॉर्मली हमें आते हैं, लेकिन जो ऑर्डर का पोर्शन है उसमें से थोड़े से क्रिटिकल और जो है डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो आपका फोकस होना चाहिए वो सेक्शन के साथ साथ ऑर्डर पे भी उतना होना चाहिए ताकि सिविल प्रोसीजर का जो 20 मार्क्स का पोर्शन है वो आपका सिक्योर हो सके।